अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन और आलू के कोफ्तों की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक बाउल, जिसमें हम ऐड कर देंगे बॉयल आलू, आधा किलो आलू लेकर मैंने बॉयल करके मैश कर लिया था। इस तरह से ऐड कर देंगे देखें, और अब हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, एक पाव चिकन लेकर उसको मैंने बॉईल करके इस तरह से स्ट्रेट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे स्पाइसेस, जो भी कुछ हुआ है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, आप हसब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून दादर मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा इनको क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून चाट मसाला तरीके से, और अब हम सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स इस तरह से। देखें यहाँ पर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर दूँगी, अच्छे से आपने इनको मिक्स कर लेना। ये देखें जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे। और या फिर अच्छे से इनको मिक्स करना। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाथों को अच्छे से धो लिया था, और अब मैं इसको इस तरह से और इसे ग्रीस कर लूँगी। थोड़ा सा बैटर उठाएँगे, जिस साइज़ के भी आपने कोफ्ते बनाने हैं उतना आपने बैटर उठा लेना इस तरह से। ये देखिए तरह से आपने इसको एक गोल शेप दे देनी है। तो ये देखिए एक कोफ्ता बनकर तैयार हो गया। कोफ्ता आपने बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाए, दरमियाने साइज़ के बना कर तैयार कर लेना। तो देखें इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे और बाद में इनको फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको गर्म कर लिया। 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया। अब हम इसमें जो कोफ्ते हमने बनाए थे ना, यहाँ पर मैंने एक अंडा लेकर फेंट लिया था, इसमें इस तरह से इनको कोट करके ना ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो चूल्हा को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है, ताकि स्टार्ट पर जो कोफ्ते ना वो जल ना जाए। वैसे जो हमने बैटर बनाया वो तो बिल्कुल डन है, आलू भी हमारे पके हुए थे और चिकन भी। बस ऊपर से आपने उनके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर लेके आना। तो यहाँ पर इस तरह से सारे कोफ्ते ऐड कर दूंगी मैं। और स्टार्ट पर जब आपने उसमें कोफ्तों को ऐड करना है ना, तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना, नहीं तो आपके जो कोफ्ते हैं ना वो टूट जाएंगे अगर आप उनकी साइड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब आराम से मैं यहाँ से साइड को चेंज कर दूँगी, ये देखिए इस तरीके से, ताकि चारों साइडों से अच्छे से पक जाए। थोड़ा आपने इनको फासले पर ही रखना है, अगर एक दूसरे से चिपकेंगे ना ये इनके जुड़ जाएंगे तो फिर टूट जाएंगे, इसलिए आपने थोड़े थोड़े फासले पर ही रखना। बहुत ही जल्दी इनके ऊपर कलर आता जाएगा, बस आपने साथ साथ इनकी साइड्स को चेंज करते जाना। देखिए अंडा ना उसका जल्दी पक जाता है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखिए तरीके से मैं इसकी सारी साइड्स को चेंज करते हुए ना इनको पका कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे मज़ीद 2 मिनट हो गए कोफ्तों को फ्राई करते हुए, और देखें चारों साइडों पर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। तो आप इनको जलाना नहीं है, इसी तरह से इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर ले आना। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इनके लिए एक छलनी जिसमें मैं इनको निकाल कर रख दूँगी, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। ये देखें इस तरीके से, और इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बनाकर इनको तैयार कर लूँगी। तो देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। चलिए जी अभी मिलते हैं हम सारे कोफ्ते रेडी करने के बाद। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। देखें इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाकर कोफ्तों को तैयार कर लेना है। और इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था ना, उसकी वजह से बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो आप इसको चाय के साथ, अगर मेहमान आ जाए अचानक से, तो बनाकर इसको चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इनको स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए जी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, जिसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। यहाँ पर हम वही ऑयल यूज़ करें जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था। अगर आप तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली सा काट लिया, ये ऐड कर देंगे इस तरह से।
और साथ में इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए 3 इंच के मैंने टुकड़ा लिया अदरक के, और साथ मैंने 5 से 6 लहसुन लिए हैं, इनको डालकर आपने मिक्स कर लेना और फ्राई कर लेना जब तक कि इनका पानी और कचरन ख़त्म ना हो। ठीक है, चूल्हे को मैं मीडियम फ्लेम पर कर दूँगी ताकि जो प्याज और अदरक लहसुन है ना अच्छे से जल्दी पक जाए, ताकि जो अदरक लहसुन है वो जल्दी से फ्राई हो जाए। तो अगर इस चीज़ पर आप इस तरह से अदरक लहसुन को फ्राई नहीं करेंगे तो उसकी स्मेल है जो वो ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने रफली सा प्याज को इसलिए काट लिया था और बाकी चीज़ों को भी हम आगे जाकर इसको ग्राइंड कर लेंगे मसाले का, तो उससे अच्छी जो ग्रेवी है ना बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस 2 से 3 मिनट आपने इसको बस चम्मच चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना, यहाँ पर हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट फ्राई करना है। तो देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़े साइज का टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से रफली से काट लिया था, और इसको भी इस तरह से आपने मिक्स कर लेना, हर चीज़ों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भी उनको इस तरह से ग्रेवी बनानी होती है तो कच्चे प्याज लहसुन अदरक टमाटर को डालकर ब्लेंडर के जग में उसको ब्लेंड कर देते हैं, उससे जो है ना तो जो हमारी ये सब्जियाँ अदरक लहसुन प्याज वगैरह इनकी स्मेल ख़त्म होगी ना ही कच्चापन ख़त्म होगा, इसलिए आपने कभी भी सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे ब्लेंडर के जग में ब्लेंड नहीं करना जब तक आप इनको या तो फ्राई ना कर लें, जब तक कि आप इनको फ्राई ना कर लें। तो इस तरीके से फ्राई कर लेना सारी चीज़ों को। देखें यहाँ पर कलर चेंज हो गया, इनका पानी भी ड्राई हो गया, इसके पर अब हम इनको ब्लेंडर के जग में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंडर के जग में डालकर इनका पेस्ट बना लिया, देखें इतनी खूबसूरत इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, तो ये देखें। और यहाँ पर हमारे कोई भी मसाला कच्चा नहीं है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 7 स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 4 लौंग ऐड कर देंगे, इससे जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आएगी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे मसालों को आपने इस तरह से मिक्स कर लेना, और इनको आपने तब तक इनकी भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल है वो सारा ऊपर ना आ जाए। तो देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे, इससे खाने में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसलिए आपके यहाँ पर धनिया भी इसको ज़रूर ऐड करना। इस तरीके से चम्मच को आपने चलाते हुए मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चूल्हे को यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा हुआ है, इस तरह से मसालों में चम्मच चलाते हुए मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ऑयल जो है ऊपर आ गया, एक दफ़ा इसमें चम्मच को चला देंगे, ठीक है इसमें, और कितना दानेदार सा ये मसाला बनकर तैयार हुआ देखें। अब मैं इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून में इसमें पानी का ऐड कर दूँगी, तरीके से और पानी ऐड करने के बाद आपने इसको एक उबाल आने तक पका लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले में उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर अब हमने जो कोफ्ते बनाए थे ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे, एकदम से आपने इसमें सारे कोफ्ते ऐड नहीं करने, इस तरीके से 1 बाय 1 आप इसमें सारे कोफ्तों को ऐड कर देना। और इसी दौरान अगर आपने चैनल बनाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आपने हल्के हाथों से इनको मिक्स कर लेना है, देखें इस तरीके से। ये देखेंगे 2 मिनट हम इनको इस तरह से पका लेंगे, 2 मिनट हो गए यहाँ पर कोफ्तों पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी साबुत हरी मिर्चें, इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, और हरी मिर्चें की जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी आती है। देखिए सर यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्चों को काट कर भी ऐड कर सकते हैं। चूल्हे को ऑफ कर देंगे, और ज़बरदस्त से चिकन आलू कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है।
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखेंगे मज़ेदार से ज़बरदस्त हैं कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।